उज्जैन के घटिया तहसील मुख्यालय पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाया गया। जनपद परिसर में लगे शिविर में तहसील क्षेत्र के दिव्यांगजन पहुंचे। इस शिविर में दिव्यांगों ने अपने दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पेश किए ताकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। कई दिव्यांग ऐसे भी पहुंचे जिनके दस्तावेज पूर्ण नहीं हो पाए। कई बार शिकायत और समस्या बताई थी, उनकी समस्या को भी सुना गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज का इस शिविर का आयोजन किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था, क्या रहा? ये दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया है, इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं जो जिसको जिस बीमारी का है उस संबंध में जांच करके उनको कितना प्रतिशत है यहाँ तो उनको प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है ताकि दिव्यांग लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, एक ही जगह पर सारे काम हो रहे और हाथों हाथ उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। सर, किस प्रकार शासन की मंशा है इन शिविरों के माध्यम से और क्या रहती है? नहीं, शिविर इसलिए लगाए जाते ताकि परेशान नहीं हो दिव्यांग जो भी है हमारे, वो परेशान नहीं हो, उनको हाथों हाथ जो प्रमाण पत्र जितने जो विकलांग का जो भी है ताकि उनको सुविधा शासन से जो नियमानुसार सुविधा मिल सके वो सुविधाओं की। सर, ईवीएम का भी लगा हुआ है यहाँ पर? हाँ, ईवीएम भी लगातार चल रही है, उसका प्रदर्शन आगामी चुनाव को देखते हुए स्थानीय निर्वाचन होना संभावित है, इसको देखते हुए हर पंचायत हर गांव में हमारे दल बना रखे, हर गांव में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।